और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव में देवली 11 सीट से विजय बैंसला को बीजेपी से टिकट देने की मांग को लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को पत्र लिखा है। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि समाज के सभी संगठनों का कहना है कि विजय बैंसला पहले आसिंद से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के वोट लेने के लिए देवली 11 से चुनाव मैदान में उतारा था। वहां वो राजनीतिक साजिश के कारण चुनाव हार गए थे। उसके बाद से वो लगातार पिछले एक साल से देवली 11 की जनता की सेवा कर रहे हैं। अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बैंसला का टिकट काटती है तो वो विजय बैंसला की राजनीतिक हत्या होगी और गुर्जर समाज का अपमान होगा, जिसका प्रभाव आगामी उपचुनाव की सभी सीटों पर पड़ेगा। इसको लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बैंसला को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष करौली, हम बीजेपी के जो आला कमान है उनसे मिले, प्रदेश अध्यक्ष साहब से, और उनसे निवेदन किया है कि देवली 11 का जो टिकट है विजय बैंसला जी को दिया जाए, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें वो आसन से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको देवली 11 से जो टिकट दे दिया था और उसका बीजेपी को भरपूर फायदा मिला। गुर्जर समाज ने एक मत होकर और 80% वोटिंग बीजेपी के खाते में गई, बीजेपी को वोट दिया और उससे बीजेपी की सरकार बन गई। अब आज अगर उस टिकट को विजय बैंसला जी को नहीं देकर अनंत किसी और को दिया जाता है तो गुर्जर समाज में इस चीज का, गुर्जर समाज की तरफ से इस चीज का मतलब विरोध किया जाएगा और बीजेपी को इसका खामियां से भोगना पड़ेगा। 7 सीटों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इससे मतलब के आला कमान से हमारा निवेदन है, इसलिए विजय बैंसला जी को टिकट दिया जाए।